ड्रग्स वाली आंटी प्रीति जैन के फरार बेटे यश जैन के खिलाफ विजयनगर थाने पर 376 का केस दर्ज किया गया। 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की है। कॉलेज की स्टूडेंट को नशीली वस्तु खिलाकर उसके साथ यश जैन और उसका एक साथी अकमल ने रेप किया था। वहीं पूरे मामले में आने वाले दिनों में और भी कई कॉलेज के स्टूडेंट शिकायत करने सामने आ सकती है। डीआईजी हरिनारायण चारे मिश्र ने फरार यश जैन पर 20,000 का इनाम घोषित किया। फरार यश जैन को पकड़ने के लिए पुलिस रतलाम व अन्य जगह पर दबिश दे रही है। ड्रग्स वाली आंटी प्रीति जैन के फरार बेटे यश जैन के खिलाफ बता दे रेप का केस दर्ज किया गया है। 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की। एएसपी राजेश रघुवंशी के अनुसार पीड़ित युवती थाने पहुंची थी और उसने पुलिस को बताया कि यश और उसका एक साथी अकमल उसे विजयनगर क्षेत्र में मॉल स्थित पब लेकर गए थे। यहां नशीली वस्तु खिलाकर उसके साथ उन्होंने रेप किया। इसके अलावा दोनों से अन्य कई होटल्स में भी लेकर गए और वहां भी नशा देकर रेप किया। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपी के खिलाफ 376 धारा में मामला दर्ज किया। वहीं डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने आंटी और प्रीति जैन के बेटे पर 20,000 का इनाम घोषित किया। वहीं आरोपी यश की तलाश में धार, मनावर, बड़वानी व आसपास के शहरों में पुलिस टीमों ने दबिश दी थी, लेकिन वह नहीं मिला। आरोपी यश को आखिरी बार बेटमा में ही देखा गया था। इसके बाद से वह पुलिस गिरफ्त से दूर है। वहीं ड्रग माफिया आंटी उर्फ प्रीति जैन ने ड्रग का कारोबार मुंबई, गोवा और दिल्ली तक जाल फैला रखा था। संभवतः आंटी ने बेटे के जरिए अधिकांश टूरिस्ट स्पॉट्स को भी कवर कर रखा था, जैसे मुंबई, गोवा और दिल्ली के अलावा शहर के आसपास के टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी ये हाई प्रोफाइल युवक युवतियों के समूह को पार्टियों में नशा उपलब्ध कराते थे। वहीं एसआईटी ने 26 संभावित आरोपियों की सूची बनाई है। इसमें से 8 आरोपियों को चिन्हित कर प्रकरण में उनके नाम बढ़ाए हैं, लेकिन धरपकड़ होने के कारण अभी नामों का खुलासा नहीं किया जा रहा है। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी लेकर इन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। सर, एक प्रकरण दर्ज हुआ है जयेश जैन के नाम से, जो कि आंटी का लड़का है। यस। क्या मामला है सर पूरा? अभी पिछले कुछ दिनों से जो इंदौर पुलिस की ड्रग्स के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही थी, उसमें जो ड्रग के जो रैकेट है जिसमें मुख्य सरगना यश जैन और उसकी माँ है, इसके संबंध में एक कॉलेज की छात्रा है जिसने पढ़ने के बाद में एसआईटी को संपर्क किया और उसने बताया कि इस रैकेट से जुड़े हुए दो व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके साथ में गलत काम किया। पहले उसको पब एवं बार में बुलवाने के बाद में फिर उसको कुछ प्रलोभन देने के बाद में कुछ ड्रग जैसी वस्तु खिलाकर उसके गलत वीडियो बना लिए और उसके बाद से ये दोनों दो व्यक्ति इसको इसके साथ गलत काम करते रहे हैं। इस पर विजयनगर थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये आरोपी है कि जो आंटी है वो समूह में लेके आती थी लड़कियों को और उनको नशे के साथ उनके साथ गलत काम किया जाता था। नहीं, प्रश्न समझ नहीं पाया। समूह में आते थे। हार्दिक, थोड़ा तू पीछे हो गया। हाँ सर, जो लड़की संपर्क में आई है, ये कैसे इनके संपर्क में आई थी? यश जैन और इसके संपर्क में कैसे आई थी, उसने कुछ अपनी ओर से बताया? कहीं कुछ पार्टी में मिली हो? ये युवती एक प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही है और इसने एक दो बार अपनी दोस्तों के साथ में पब में गई है ये, और उस दौरान ही इसको ये जो आरोपी हैं इन्होंने प्रलोभन दिया और उसके बाद ये उसके साथ गलत काम किया। सर, तो अभी फिलहाल अलग अलग पबों में ले जाना की बात भी कही है लड़की ने कि अलग अलग पबों में भी इसको लेके जाते थे, या जो वीडियो बनाया था उस वीडियो के आधार पर इसको लगातार टॉर्चर कर रहे थे या इसको ब्लैकमेल कर रहे थे, ऐसा कुछ है फिलहाल? जी हाँ, ये सही है कि जब इसको इसके वीडियो बना लिए उसके बाद में ये उसको अलग अलग पबों में ले जाते रहे। सर, माना जा सकता है कि जिस तरीके से एक लड़की फिलहाल सामने आई है, ऐसी कई लड़कियां होंगी जिनको पहले इन्होंने ड्रग्स दिया होगा, एडिक्ट बनाया होगा या वीडियो बना लिए होंगे, फिर लगातार ब्लैकमेल कर रहे होंगे और शहर के कई सारे पबों में इस प्रकार की इन्होंने गतिविधियाँ संचालित की होंगी। हाँ, अगर जैसा आपने देखा है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद ये युवती सामने आई है, अगर इस तरह के और भी कोई प्रकरण सामने आएंगे तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। सर, लड़कियों को एडिक्ट बनाने में इस लड़की का कोई इन्होंने इस्तेमाल करा हो या ड्रग्स बेचने में इस्तेमाल करा हो इसको, इस लड़की का कुछ? नहीं, अभी तक इसका ड्रग बेचने में या बाकी दूसरे उसमें प्रथम दृष्टया मामला इस तरह का सामने नहीं आ रहा है। ये तो शोषित युवती है, पीड़ित युवती है।
सर अभी यश जैन को लेकर लगातार छापामार कार्रवाई भी हो रही है, अभी आगे के इन्वेस्टिगेशन किस तरीके का है और यश जैन पर भी 20,000 का इनाम भी जैसे घोषित हुआ है, आगे बाहर और भी टीम जा सकती है इसके पूछताछ के लिए या फिर इसके इसको सर्च करने के लिए? हाँ, इसमें पुलिस टीम लगी हुई है, इसको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे, पूरा प्रयास है हमारा। इनाम घोषित किया है इस पर DIG साहब ने 20,000 रुपये के इनाम घोषित किया है।